भीगे दिन गिरे और गिरे फिसल कर। भैया विलोम कितनी बार कहा है बहुत ऊंचे मत चढ़ा करो, पर भैया विलोम क्यों मानने लगे है? पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए और फिसल गए। फिर आए तो द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो क्या होता? आज का दिन ही ऐसा है कि जाने आंखों को क्या हो गया है। कभी अपरिचित आकृतियां भी परिचित जान पड़ती है और कभी परिचित आकृतियां भी परिचित नहीं लगती। कभी आकृति इतनी परिचित लग रही है किंतु मैं जान नहीं पा रहा। आकृति जानी हुई है किंतु व्यक्ति नया सा लगता है। बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? आकृति बहुत बदल गई है, परंतु व्यक्ति आज भी वही हो। स्वर भी परिचित है और शब्द भी। हाँ, तुम हो तुम। हाँ, गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने दिनों से तुम्हें देखने की लालसा मन में थी। आओ, कले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मैला है इसलिए, या मुझी से घृणा है? परंतु तुम्हारा मेरा संबंध इस तरह टूट नहीं सकता। तुमने कहा था ना, हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं, नहीं कहा था? इतने वर्षों में मैंने उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया। मैं तो समझता हूं अब हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता? अरे, तुम वहां स्तंभित से क्यों खड़ी हो? विलोम, इस घर में अब तो कोई अयाचित अतिथि नहीं है, अब तो वह अधिकार से आता है। नहीं, अब तो इस घर में कालिदास का स्वागत और आतिथ्य भी कर सकता है। नहीं कहोगे कितनी आकस्मिक बात है। पहले भी तुम्हारी और मेरी भेंट इसी घर में हुई थी और आज भी यही हो रही है। परंतु सच यह है कि यह कोई आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी आते, हमारी भेंट यहीं होती, इसी घर में। मल्लिका, तुमने कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया? कोई अतिथि इतने वर्षों में आया और उसका आतिथ्य न हो? जानती हो, कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों का कितना मोह है। एक हरिण शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम नहीं है। जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? कहता अरे है, विलोम, तुम नहीं चाहती कालिदास ये जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है? मुझे अष्टावक्र की बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं संभव है तुम स्वयं चलकर देखो कि अष्टावक्र की बात कहां तक सच है। क्या बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है? या चलो, देखोगे? यहां से चले जाओ विलोम। चला जाऊं? इस घर से या ग्राम प्रांतर से ही? सुना है शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। मैं कह रहा हूं इस समय यहां से चले जाओ। क्योंकि तुम यहां लौट आए हो इसलिए, क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि तुम्हें आज फिर से अपनी प्रतीत होने लगी है, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत हैं। जैसे तुम्हारे बाहर जीवन की गति ही नहीं, तुम ही तुम हो और कोई नहीं। किंतु समय इतना निर्दयी नहीं है, उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वो धूप और निवेद लिए घर की दहली पर रुका नहीं रहा, उसने औरों को भी अवसर दिया है, निर्माण किया है। तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहां अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे। तुम चाहते हो इस समय मैं यहां से चला जाऊं, चला जाता हूं। इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, किंतु इसलिए कि तुम आज इस घर में अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। देखना, आतिथ्य में कोई कमी ना रहे।
जो अतिथि इतने वर्षों में एक बार आया है, क्या पता वो आगे आए ना आए।